हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतीक गेमिंग में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 5 प्रिज्मरीन इम्युलेटर गेम्स एंड्रॉइड हाई ग्राफिक्स। ये पांचों गेम के ग्राफिक्स अच्छे हैं और प्रिज्मरीन इम्युलेटर में मिड रेंज के गेम स्नैपड्रैगन के लो एंड प्रोसेसर में खेल सकते हो। प्रिज्मरीन इम्युलेटर काफी ऑप्टिमाइजिंग है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रोसेसर में कौन सा गेम कितना FPS पे चलता है। किसी गेम में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। एक 2D साइड स्क्रोलर एक गेम मिलता है, एक मारियो टाइप गेम है, एक आपको लीगो टाइप गेम मिलता है, एक ओपन वर्ल्ड कार रेसिंग गेम है और एक आपको पार्कर और ओपन वर्ल्ड वो गेम रहने वाला है और वो गेम एडवेंचर है। तो चले हम टॉपिक पे बढ़ते और देखते हैं कि कौन से ये टॉप 5 प्रिज्मरीन इम्युलेटर गेम है। नंबर 5 पे जो गेम है वो है हलो नाइट। साइज इसकी 5GB है। ये 2D साइड स्क्रोलर गेम आपको मिलता है। इसमें जंपिंग मारनी है, ऑब्स्टिकल्स को पार करना है। थोड़ा हॉरर एलिमेंट इस गेम के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है और ब्लैक आपको इसका कलरिंग देखने के लिए मिलता है। इसका कलर टोन ऐसा ही है। और रही बात ये गेम स्नैपड्रैगन आपका 720G और 4GB रैम में, ये गेम आपका 15 FPS पे चल जाता है। 13 FPS पे लगभग आपका ये गेम चल जाएगा। तो देख सकते इतने लो एंड प्रोसेसर में भी आपका हॉलो नाइट गेम चल रहा है। मिड रेंज के गेम सारे खेल सकते हो जिनका 4GB रैम है, स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर है। प्रिज्मरीन इम्युलेटर के थ्रू आप मिड रेंज के गेम सारे खेल सकते हो। इस गेम की स्टोरी लाइन भी काफी अच्छी मिलती है, काफी इमोशनल आपको ये गेम देखने के लिए मिलता है। तो टाइम पास के लिए कोई 2D गेम ढूंढ रहे हो जिसमें हॉरर भी मिले और साथ ही साथ सैड स्टोरी भी मिले तो आप इस गेम को जरूर ट्राई कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो गेम है वो है सुपर मारियो ओडिसी। साइज इसकी 5GB है। ये स्नैपड्रैगन आपका 817 का प्रोसेसर है और 8GB रैम में ये गेम 16 FPS पे चल जाता है प्रिज्मरीन इम्युलेटर में। ये गेम कलरफुल आपको मिलता है और काफी फनी गेम आपको मिलता है। इसमें न्यू आप लेवल खेल सकती हो, न्यू आपको लोकेशन मिलते हैं, गेम के ग्राफिक्स बढ़िया आपको मिलते हैं, ये गेम ओपन वर्ल्ड भी आपको देखने के लिए मिलता है। आपको जो भी मिशन चूज करना है वो आप चूज कर सकते हो, न्यू ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकते हो। सुपर मारियो ओडिसी काफी अच्छा गेम है और इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है इस गेम के अंदर। आप 2D का भी फील ले सकते हो इस गेम के अंदर। सुपर मारियो ओडिसी में आप 2D जो सुपर मारियो की गेम थे साइड स्क्रोलर, उसका भी आप इस गेम में फील ले सकते हो। तो गेम को आपको जरूर ट्राई आउट करना चाहिए। और स्नैपड्रैगन आपका 720G का प्रोसेसर है, उसमें ये 30 FPS पे आपका चल जाएगा। 817 में 16 FPS पे चल जाता है। तो 7-8 साल के बच्चों के लिए भी ये गेम अच्छा है। तो गेम को आप जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 3 पे जो गेम है वो है लीगो मार्वल सुपर हीरोज। साइज इसकी 5GB है। लीगो मार्वल सुपर हीरो आपको ओपन वर्ल्ड गेम देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको आयरन मैन है, हल्क मिलता है, कैप्टन अमेरिका मिलता है, थॉर मिलता है, सभी सुपर हीरो आपको मिलते हैं। और ये स्नैपड्रैगन आपका 720G के प्रोसेसर में और 4GB रैम में ये गेम आपका 15 FPS 16 FPS पे गेम चल जाता है। तो देख सकते इतने लो एंड प्रोसेसर में भी ये गेम सपोर्ट कर रहा है। तो प्रिज्मरीन इम्युलेटर बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। गेम की स्टोरी लाइन भी काफी अच्छी है। तो लीगो को कोई मार्वल गेम खेलना चाहते हो ना तो आपको ये गेम जरूर ट्राई आउट करना चाहिए। और यदि आपका हैंड प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 8 Gen 3 या 817, तो उसमें तो ये गेम आपका मक्खन की तरह वर्क करेगा। नंबर 2 पे जो गेम है वो है नीड फॉर स्पीड हॉट पुरसीट रिमास्टर। साइज इसकी 8GB है। नीड फॉर स्पीड हॉट पुरसीट रिमास्टर ये गेम ओपन वर्ल्ड गेम मिलता है। आप इसमें फ्री रोमिंग कर सकते हो। इसमें आपके पीछे पुलिस भी लगेगी तो पुलिस से भी आपको बचना है और आपको रेसिंग जीतनी है। जब आप रेसिंग करोगे तो आपके पीछे पुलिस लगती है। इस गेम की खासियत है आपको फील मिलेगा कि आपको कैसे वांटेड करके पुलिस को एस्केप करके आपको गाड़ी भगानी है। इसमें न्यू कार मिलती है, उनको आप अनलॉक कर सकते हो, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसकी जो एबिलिटी है वो बढ़ा सकते हो जिससे कि आपका कार का जो स्पीड है वो बढ़ जाए और आपका डैमेज भी कम हो जाए आपकी गाड़ी को। और ये आपका स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर में और 8GB रैम में ये गेम आपका 15 FPS पे चल जाता है। 680 प्रोसेसर, इमेजिन इतने लो एंड प्रोसेसर में ये गेम वर्क कर रहा है। तो देख सकते प्रिज्मरीन इम्युलेटर कितना ऑप्टिमाइज किया है अच्छे से। इतने लो एंड प्रोसेसर में भी गेम वर्क कर रहे हैं। तो प्रिज्मरीन इम्युलेटर में बस आपको सेटिंग अच्छे से करनी है और आपके गेम स्मूथली वर्क करेंगे। फिर भी आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में रैम प्रोसेसर बता सकते हो। आप ये सारे गेम खेल सकते हैं जिनका 8 Gen 2 8 Gen 3 का प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर है,
सारे गेम खेल सकते हो उन प्रोसेसर में। और लास्ट गेम नंबर 1 पे Assassin's Creed 2, साइज इसकी 7GB है, ये 13 FPS पे चल जाता है Snapdragon 817 के प्रोसेसर में, 8GB रैम में। ये गेम आपका मक्खन की तरह वर्क करेगा। गेम आपको ओपन वर्ल्ड देखने के लिए मिलता है, साइंस एंड फ्यूचरिस्टिक टाइप आपको गेम मिलता है। इसमें पार्कर काफी अच्छा आपको मिलता है, इसमें जब आप पार्कर पार करोगे आपको रियलिस्टिक फील मिलेगा इस गेम के अंदर। और इसमें आपको स्वॉर्ड से आप फाइट भी कर सकते हो और हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी आप इस गेम के अंदर कर सकते हो। ये गेम यदि आपकी डिवाइस में लैग करता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्नैपड्रैगन का 680 का प्रोसेसर है और 4GB रैम है, तो इसमें शायद ये गेम थोड़ा सा लैग करे या क्रैश भी कर सकता है। थोड़े मिड रेंज के गेम आपको खेलने पड़ेंगे। ये गेम अच्छा है और गेम के ग्राफिक्स भी बढ़िया आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो जरूर ट्राई कीजिए इस गेम को। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।